नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सोनिया चिप। आइए जानते हैं आज दिन भर में क्या कुछ रहा खास। सीओ म्यूनिसिपैलिटी द्वारा पत्रकार वार्ता कर रेडी वालों को दी चेतावनी, नो रेडी जोन में रेडी लगाने पर होगी कार्रवाई। हमने ये पब्लिक को, रेडी फड़ी वालों को यही बार बार कह रहे हैं कि जो रेडी आपको नो रेडी जोन पे कोई रेडी लगाएं, जहां पर इनको जगह दी गई है वहां पर रेडी लगाएं, और साथ में जो लाइसेंस रेडी हल्दे हैं उनको हमने चेतावनी दी है कि अपनी रेडी को कलर करें, MCU लिखें, उसके ऊपर लाइसेंस अपना लगाएं, लोगो लगा कर, ताकि आइडेंटिफिकेशन हो उनकी रेडी जो है वो लाइसेंस रेडी चल रही है, सभी को पता चले कि ये लाइसेंस रेडी है। और इनको ये कलर करने का, रेडी को मतलब कि बनाने का, MCU लिखने का एक हफ्ते का टाइम देना है हमें। इसके बाद हमने कोई किसी का लिहाज नहीं करना है, और जो जो इलीगल रेडी होगी वो हम जब्त करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हो सकता है रेडियो को उठा के हम तोड़ ही दें, फेंक ही दें। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग हर बुधवार की तरह आज बुधवार को भी मरम्मत कार्य के चलते यातायात के लिए बंद। सेरिकल्चर विभाग द्वारा शुरू करवाई गई कोकून मंडी, जिसमें काफी संख्या में कोकून किसानों द्वारा भाग लिया गया। आज मंडी में सबसे अधिक दाम 1050 रुपए प्रति किलो रहा। नमस्कार, जैसे आपको पता ही है मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेरिकल्चर ऑफिसर हूँ, और आज हमने DC साहब की परमिशन से यहाँ मार्केट शुरू की है। ये हमारी यहाँ स्प्रिंग जो कोकून्स की पहली मार्केट है, और यहाँ पे जो रेट्स हैं पिछले साल के मुकाबले में बहुत अच्छे रेट्स मिल रहे हैं लोगों को। जो हमारे डी ग्रेड कोकून्स थे उसका भी हम हमारे एडिशन डायरेक्टर साहब आए हुए हैं, उन्होंने बीच में खड़े होके जो ऑक्शन करवाए, क्योंकि आपको पता है ये ओपन ऑक्शन मार्केट होती है, जो भी लोग आते हैं कोकून लेके वो उनकी वो यहाँ पे बोली से ऑक्शन से कोकून सेल करते हैं। तो हमारे एडिशन डायरेक्टर साहब भी आए हुए थे, और जो बायर जो हैं वो बंगाल से आते हैं, तो उन्होंने डायरेक्टर साहब, एडिशन डायरेक्टर साहब ने, और हमने उन बायर के साथ जो हमारे कट कोकून की मैं बात कर रहा था, तो वो 645 रुपये के हिसाब से पर केजी के हिसाब से उसका रेट फिक्स हुआ है। तो लास्ट मंडी कोविड के कारण हमारी 700 के करीब एवरेज रेट गया था, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अगर डी ग्रेड का रेट 645 गया तो हमारी मार्केट का रेट कितना अच्छा जा सकता है। आज की आपके बारे में आज की रेट का जो हाईएस्ट रेट है अभी तक का, जो 1050 रुपये है पर केजी के हिसाब से, और हमारे 150 के करीब फार्मर आए हुए हैं। हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए हमने यहाँ पे वो सर्कल्स वगैरह बनाए हुए हैं, ताकि वो लोग डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। उसके साथ साथ में गेट पे हमने वो सैनिटाइज़र के लिए रखा, बंदा रखा हुआ है, और जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने हैं उन्हें हम मास्क भी यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। मियाबाग इलाके के लोगों द्वारा धार रोड को जाम कर दिया, बिजली विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन, पिछले एक सप्ताह से जूझ रहे हैं बिजली की आंख मिचोली से। फार्म जो हमारा है 100 KV का, 3 दिन हो गए उसको, उसकी एक लीड उड़ी है, ट्रांसफार्म शार्ट करके चला रहे हैं, जिससे अगर एक फैमिली को अगर 100 वोल्टेज आती थी उसको 50 मिल रही है,
कौन इसका जिम्मेवार है कि अगर इनके कुछ जैसे टीवी हैं, फ्रिज हैं, अगर वो उठ जाएगा कौन इसकी भरपाई करेगा? 5 नंबर फीडर की बिजली इधर आ रही है हमारे मोहल्ले में उधमपुर से, इसको इस मोहल्ले से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? पिछले 2 साल से हमारी यही मुहिम चल रही है, आज ये लोग मानने वाले नहीं। हम सड़क पर उतर गए हैं, जैसे ये लोग बोलेंगे वैसे ही। जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति के लिए आयु समय सीमा बढ़ाई जाए, मनकोटे आज पढ़े लिखे नौजवानों का एक प्रतिनिधि मंडल। उधमपुर के पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया को उनके कार्यालय में मिला। इस मौके पर उन्होंने मनकोटिया को एक मेमोरेंडम भी सौंपा। पोस्ट के लिए फॉर्म भरने के लिए तैयारी कर रहे हैं, इनका एक डेपुटेशन, इनका एक प्रतिनिधि मंडल आया हमारे ऑफिस में आया और एक मुलाकात इनसे हुई है। इस मौके पर हमारे सन्नीक सिंह काउंसलर जी भी हैं। इनका जो इशू बिल्कुल जेन्युइन है और इनका अकेला इनका नहीं है बल्कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के युवाओं का इशू है कि सब इंस्पेक्टर का जो पद भरे जाते हैं ये करीब करीब 4 या 5 साल बाद इसकी वैकेंसीज निकलती हैं और इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स लिए जाते हैं। या तो रूटीन में हर साल हो तो फिर मुझे लगता है कि करीब जितने भी लोग पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं उनको इंटरव्यू फेस करने का मौका मिल जाता है, लेकिन 5-6 साल में एक बार हो तो शायद कभी किसी को मौका मिले या नहीं मिले या एक बार ही मिले। तो इनका एक इशू बिल्कुल जेन्युइन है कि अभी रूल्स बनने जा रहे हैं और पोस्ट एडवर्टाइज होने जा रही हैं सब इंस्पेक्टर की 2016 के बाद, 2021 में यानी कि 5 साल के बाद। तो रूल्स में ये कहा जा रहा है कि 18 से लेके 28 वर्ष तक जिनकी एज है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को इसमें मॉडिफिकेशन, इसमें अमेंडमेंट करने की ये ज़रूरत है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अंडर ग्रेजुएट जो है कैंडिडेट वो अप्लाई नहीं कर सकता है, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। तो ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट होने के लिए कम से कम 21 वर्ष का समय यानी कि 21 वर्ष की आयु तक इंसान। सरमोली से ऊपर सरमोली मार्ग पे भूस्खलन होने के मार्ग बंद, लोगों को हो रही है परेशानी। इसी के चलते स्थानीय लोगों द्वारा किया गया प्रदर्शन, मांग की गई कि जल्द से जल्द मार्ग की हालत को सुधारा जाए। इनकी वजह से ये डैमेज हुआ है जी, तो इन्हें 2 साल हो गए हमें लारे लाते हुए। हाँ जी, तो हमें इतनी प्रॉब्लम है, कुछ इधर गुजर हैं उन्होंने पराली लानी होती, या हमारे काम जो पंचायत के चल रहे हैं रेत बजरी अधूरे पड़े हैं, ना हम कोई काम कर सकते। वो हमें भी पीछे से बोल रहे हैं भाई आप काम क्यों नहीं करते, पंच और सरपंच क्या कर रहे हो, तो हमारा काम कैसे होगा? क्योंकि वहाँ रेत भी नहीं है, बजरी भी नहीं, ऊपर पहुँच नहीं सकती है। तो और जो गुजर हैं बेचारे, वो उन्होंने पराली जम्मू से ला के ऊपर लेनी होती, तो उनको उनको इतनी दिक्कत है कि उन्हों अगर 5,000 रुपया लगे तो उनको 25,000 रुपया लग जाता है। तो अगर इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।